हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी दोस्त पायल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का प्राइस 3 गुना बढ़ गया है। क्या आपको ये खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या मैंने पर्सनली टाटा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसी के साथ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक शेयर के बारे में एंड अरविंद फैशन शेयर के बारे में। पर उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज ने बम्पर शुरुआत की है, 140% प्रीमियम पर लिस्टेड हुआ है और फिर आईपीओ की प्राइस लगभग 3 गुना बढ़ गई है। स्टॉक NSE पर 1200 रुपीज और BSE पर 1199 रुपीज पर खुला है, जबकि इसका इश्यू प्राइस 500 रुपीज था। कुछ ही मिनट में दोस्तों, ये आईपीओ प्राइस से 180% बढ़कर 1400 रुपीज पर पहुंच गया है, यानी कि लाइफ टाइम हाई लेवल पर ये पहुंच गया है। आउटसोर्सिंग में पोटेंशियल को देखते हुए एनालिस्ट को उम्मीद है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल आगे भी अच्छी मांग में रहेगा। एनालिस्ट इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखने की सलाह देते हैं और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है उन्हें गिरावट पर स्टॉक बाय करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नरेंद्र सोलंकी ने कहा है कि स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए। उनका मानना है कि इस स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग को टाटा परसेंटेज एंटिटी और यूनिक बिजनेस मॉडल द्वारा सपोर्ट किया गया था। कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में पसंदीदा विकल्प बनी हुई है। इसके अलावा कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज की बढ़ती मांग कंपनी की बिजनेस संभावनाओं को लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर स्थिति में रखेगी, ऐसा आनंद राठी ने कहा है। और उन्होंने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग दी है। और वही चॉइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट राजनाथ यादव ने कहा है कि इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टाटा टेक इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। ₹1337 रुपीज के CMP पर स्टॉक 75 के PE मल्टीपल पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो पीयर्स के अनुरूप प्रतीत होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी जाती है, जबकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक केवल इन्वेस्टर ही इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट पर विचार कर सकते हैं, ऐसा चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट राजनाथ यादव ने कहा है। और वही अकॉर्डिंग टू मेहता इक्विटीज एक्यूमुलेट ऑन डिप्स रेटिंग दी है। आउटसोर्सिंग में ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए ऑल फैक्टर पर विचार करते हुए आगे चलकर बिजनेस मॉडल की काफी मांग रहेगी। हम अलॉटेड इन्वेस्टर को सलाह देते हैं कि वो लिस्टिंग के बाद हेल्दी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर विचार करते हुए 1400 रुपीज से अधिक और उससे अधिक 50% प्रॉफिट बुक करें। रेस्ट होल्डिंग को लंबी पीरियड के लिए बनाए रखें और उन इन्वेस्टर के लिए जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो लॉन्ग टर्म के लिए हर गिरावट पर टाटा टेक्नोलॉजीज को बाय कर सकते हैं, ऐसा प्रशांत तापसे ने कहा है। तो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज ने आज बम्पर शुरुआत की है, 140% प्रीमियर पर लिस्ट हुआ है और आईपीओ की प्राइस 3 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, मैंने भी टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन मैंने लिस्टिंग के बाद इस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आपने भी किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक खुद से फाइंड आउट करना सीखना है तो उसके लिए फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी है। आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स सिर्फ 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमने मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट करने के कुछ सीक्रेट स्क्रीनर शेयर किए हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स सिर्फ 499 रुपीज में जरूर ज्वाइन करें। बात करते हैं सेकंड न्यूज की। लीडिंग स्टेट ओन बैंक्स में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स ने लास्ट 6 मंथ में अपने इन्वेस्टर को सब्सटेंशियल रिटर्न देकर रिमार्केबल परफॉर्मेंस किया है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के अनुमानों से पता चलता है कि स्टॉक में हमें गेन देखने को मिल सकता है, जो संभावित रूप से 1 साल की नई लाइफ टाइम हाई लेवल स्थापित कर सकता है। ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बैंक की बढ़ी हुई असेट क्वालिटी एंड लोन ग्रोथ प्रोग्रेस पर आधारित है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने ₹130 के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी है, जो 19% अपसाइड का सिग्नल देता है। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने यूनियन बैंक शेयर्स को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस ₹130 पर शेयर बताया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है यूनियन बैंक शेयर के बारे में। बात करते हैं थर्ड न्यूज की। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने अरविंद फैशन लिमिटेड पर बाय की सिफारिश की है और 565 रुपीज के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू किया है, जो करंट लेवल से काउंटर पर 23% की संभावित बढ़त का सुझाव देता है। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा है कि अरविंद फैशन की बिजनेस स्ट्रेटेजी 5 की ब्रांड के इर्द गिर्द घूम रही है। दोस्तों, नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में करंट ब्रांड्स को प्रॉफिटेबली स्केल अप करने पर फोकस किया जाएगा, न कि ब्रांड जोड़ने पर। तो दोस्तों, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने अरविंद फैशन शेयर्स को
बाय करने की सलाह दी है विद टारगेट प्राइस 565 बताया है। दोस्तों यदि कुछ आज की स्टॉक न्यूज अपडेट, अब बात करते हैं आज के हमारे एनालिस्ट द्वारा रिकमेंड किए गए स्टॉक के बारे में। वैशाली पारेख ने इंजीनियर्स इंडिया का स्टॉक रिकमेंड किया है, बाय एट अराउंड 149.45 पर बताया है, टारगेट प्राइस 156 विद स्टॉप लॉस 147। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।